उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बेहद अहम होते हैं और ऐसे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अब हर पार्टी हर समीकरण को साधने में जुटी है। इसी बीच बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो वहीं लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन के समापन समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची और सरकार को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है। कहीं सम्मेलन हो रखे हैं, कहीं यात्राएं की जा रही हैं। इसी बीच बीएसपी ने यूपी के 74 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया और आखिरी जिला लखनऊ रखा गया, जहां ब्राह्मण सम्मेलन का समापन किया गया। 23 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में रामनगरी अयोध्या से बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। समापन समारोह में बसपा पार्टी मुख्यालय लखनऊ में मुख्य अतिथि के तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि अगर बसपा की सरकार बनती है तो हम यूपी में कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। इस पार्टी ने किसानों का वोट लेते वक्त ये कहा था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ ही आज मैं फिर से किसानों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरन थोपे गए 3 कृषि कानूनों को यहाँ कतई भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होने के लिए रामनगरी अयोध्या से बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे। बहन मायावती जी ने जो कार्य किया है उसको याद करके हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं, पुनः वापस आवे और अयोध्या नगरी को इतना सुंदर बनावे। हम संत महात्मा उनके साथ खड़े हैं और जयकारा लगाना चाहते हैं। जिंदाबाद। 23 तारीख से ब्राह्मण और प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप में माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो आगाज किया था, वो अयोध्या की धरती और अयोध्या के संत महात्मा और अयोध्या के वैदिक और आचार्य लोग, विद्वान लोगों ने उनका सहर्ष सम्मान किया है और उनको विश्वास दिलाए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और बहन जी की रीतियों नीतियों और बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों के साथ हैं। बसपा के सम्मेलन को मिशन 2022 के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने के, ये चुनाव बसपा और मायावती दोनों के लिए ही सियासी तौर पर बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब बसपा की अगली रणनीति क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।